न मंगनी और न सगाई, न दान दहेज का झंझट। मेले में लड़का और लड़की की मुलाकात होती है और वहीं पर दोनों एक दूजे को पसंद करते हैं। फिर पूरा समाज इस नए प्रेमी जोड़े की धूमधाम से शादी करा देता है। देश विदेश के सेलिब्रिटीज की शाही शादी के लिए मशहूर राजस्थान में विवाह की एक ऐसी भी परंपरा है। ये जानकर आपको ताज्जुब हो सकता है। प्रदेश के सिरोही जिले के आदिवासी समाज में यह अनूठी परंपरा आज भी शिद्दत के साथ निभाई जाती है। गंधर्व विवाह त्योहार का यह अनोखा रिवाज राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में होता है। ये आदिवासी मेला लगता है जो होली के 5 दिन बाद लगता है। यहाँ पर क्या है, लड़की अपनी मनपसंद से लड़के को चुनती है और पहले जो स्वयंवर होता था उस तरीके से चलता है। आज भी आबू रोड के बाहुल्य क्षेत्र गरासिया समुदाय में होली के बाद मेले का आयोजन होता है। इस मेले में पुरानी परंपरा के अनुसार लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। उसके बाद सगे संबंधी एक दूसरे को मीठे की मनवार करके बधाई देते हैं। ये प्रथा पिछले राम के जमाने से चली आ रही है और यहाँ पे लड़का अपनी मनपसंद के लड़के को चुन के एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो परिवार वालों को मनाते हैं और एक दूसरे के घर पे जाके मुंह मीठा करवाते हैं और ये प्रथा है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। आज की 21वीं सदी में इस गंधर्व विवाह को लव इन रिलेशनशिप का नाम से जाना जाता है। 2 दिन तक चलने वाले इस मेले में गरासिया समाज के कई युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस प्रथा के तहत सब कुछ ठीक रहने के बाद 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थली मानी जाने वाले माउंट आबू की नक्की झील की परिक्रमा करके इस विवाह को संपन्न किया जाता है। जो देखा जाए तो मतलब ऐसा होता है कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे यहाँ पे मेले का आयोजन हो रहा है और इस मेले में लड़का अपनी लड़की मन पसंद से चुनते और शादी करने के बाद एक दूसरे घर पे जाके मुंह मीठा करवाते हैं। जैसे ये इस रिश्ते को पवित्र माना जाता है। ये रिश्ता क्या है, राम और सीता के प्रथा से चली आ रही है। लोकल 18 जालोर से सोनाली भाटी की रिपोर्ट।